सर, आप जेडीयू से बीजेपी में ज्वाइन किया सर, फास्ट रिएक्शन क्या होगा? फास्ट रिएक्शन क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। आपको सर जेडीयू में ऐसा क्या कम मिल रहा था जिसलिए आप जेडीयू को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया सर? ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत, और यहाँ की विधायक होने का नाते, और मेरा तो डेवलपमेंट पार्ट्स बनता है कि इसलिए कि पार्टी ने जरूरी पड़ा और पार्टी ने ज्वाइन करना पड़ा, और ईटानगर का जो डेवलपमेंट का सुविधा के लिए, मेरा जो जनता का जो माँ बहन का लिए थोड़ा बहुत समय, जितना भी समय मिले और अच्छा डेवलपमेंट हो ईटानगर में, उसके लिए ज्वाइन करना पड़ा। सर, जेडीयू का पूरा सभी लोग लगभग ज्वाइन किया है बीजेपी में, एक ही सिर्फ रह गया कॉर्पोरेटर जो जेडीयू का अभी का फिलहाल प्रेसिडेंट है, वो सर क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी से बहुत ऑफर आया था इसलिए वो लोग, आप लोग जेडीयू छोड़ के बीजेपी में गए, क्या सर क्या सच है उसका? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जेडीयू में एक रह गया हमारा जो पोपेतर नाइन था, एट हमारा साथ आया और इन्होंने वहाँ रह गया, उसमें कोई ऊपर का बात नहीं है, और सब चीज़ें होते रहता है, बोलते रहता है। तो सर, ईटानगर पब्लिक को क्या नया डेवलपमेंट मिलेगा आप बीजेपी में आने पर? नया डेवलपमेंट हमारा जोर शोर डेवलपमेंट चल रहा है और भी आगे, और पार्टी में आने का बात अगर जो स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि पेमा खांडू है स्टेट चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल में जो नरेंद्र मोदी है पार्टी प्रेसिडेंट है, उन सभी का जो आशीर्वाद से आगे मुझे और ईटानगर को क्या मैं और बेहतर ईटानगर बना सकता है, कोशिश करूंगा। तो सर 24 के लिए क्या टिकट को हम लोग कर सकते हैं खैर आशा? हाँ जी, 24 के लिए सर आपका नाम से बीजेपी का टिकट आशा कर सकते हैं सर हम लोग? इसको पार्टी बताएगा, जैसे 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 समय आएगा हाँ पार्टी बताएगा इसको। सर, you have suddenly changed the party, na sir? All of a sudden you have changed the party, so don't you think like this will be disadvantage for you? Yes, sir. ये साथन नहीं बोल के नहीं है, पार्टी चेंज बोल के नहीं है, कोई भी कहीं भी हो, मैं यहाँ इलेक्शन जीत के आने का मतलब था, मेरा मुद्दा था कि ईटानगर को मैं बेहतर ईटानगर दे सकूँ और बेहतर डेवलपमेंट दे सकूँ और हर सुविधा हर माता पिता को दे सकूँ, इसके लिए मैं इलेक्शन में आया और बाकी हमारा कोई सेकेंड थॉट नहीं है। थैंक यू सर, आपको इलेक्शन का समय में आपको पार्टी टिकट भी नहीं दिया था, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं डेवलपमेंट के लिए आप बीजेपी में मर्ज हुए, तो क्या आप जेडीयू में बैठ के डेवलपमेंट नहीं कर सकता था क्या? और या दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो रिसेंट में बिहार में जो इलेक्शन जो स्विचिंग हुआ है उसके लिए इंडिकेशन है क्या सर? आप सर प्लीज, आप जैसे समझना है ऐसे समझ बताइए आपका फास्ट। नहीं नहीं, ये पब्लिक पब्लिक के लिए जो भी रिसेंट है पब्लिक के लिए लिया है। गाड़ी है।